जालौन में मंगलवार दोपहर को झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार से आ रही एक डीसीएम की डंपर से आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद पीछे से आ रहे एक के बाद एक करके पांच ट्रक डंपर आपस में टकरा गए, जिससे सभी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास की दुकान तथा वहां पर खड़ी दो बाइकें भी आग की चपेट में आ गई। इस आग की चपेट में डंपर के चालक व खलासी भी आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। हादसे को देख स्थानीय लोगों ने तत्काल चालक खलासी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आग के कारण झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 जाम हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची, जिन्होंने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को काबू किया। तब कहीं जाकर के तीन घंटे बाद झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो सका। इस मामले में उरई के डिप्टी एसपी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि डीसीएम और डंपर की टक्कर से ये आग लगी थी, जिसके बाद एक के बाद एक करके तीन अन्य डंपर टकरा गए, जिससे ये आग लगी। वहीं हादसे के डेढ़ से दो घंटे में पांच गाड़ियों ने आग को बुझा लिया, साथ ही आवागमन शुरू हो गया। इस हादसे में चार ट्रक, दो बाइक, एक दुकान जली है, साथ ही दो लोग आग से जले हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। सर, नेशनल हाईवे पे एक हादसा हुआ है, क्या पूरा प्रकरण रहा है और उसमें कितनी गाड़ियां जली हुई हैं? देखिए, आज 18 अप्रैल 2023 को करीब 1:30 बजे करीब ये घटना घटी है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल फायर टेंडर को रवाना किया गया। करीब पांच फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए, हम सभी पुलिस वाले मौके पर पहुँच गए थे। आग बुझाने का प्रयास किया गया, करीब 1.5 घंटे तक आग में काबू पा लिया गया। सर, इस हादसे में कोई हताहत हुई है? दो आदमी बार इंजरी है, उनको हल्की है, खतरे से बाहर है, उनको हॉस्पिटल में एक्सप्रेस करा दिया गया है, इलाज चल रहा है। और मौके पे यातायात जो थोड़ी देर के लिए अवरुद्ध हुआ था, उसको वन वे करा दिया गया था, अब जाकर के बहुत अच्छे ट्रैफिक चालू करा दिया गया। आग बुझाने सर कितनी गाड़ियाँ लगाई गई थी? करीब चार गाड़ियों में आग लगी है। एक गाड़ी जो यहाँ से मटर लेकर के डीसीएम झांसी की तरफ जा रही थी, वो मोड़ पे ही डंपर से टकरा गई और कोलिजन इतना तेज था कि उसमें उस वजह से आग लग गई और उसी चपेटे में दो ट्रक और आ गए। कुल चार चप्पे जो है वो जली हैं, दो बाइक थी वो आपस में होगी जल गई है, एक दुकान झोपड़ी थी उसकी उसमें हवा भरने के लिए उसको भी नुकसान पहुंचा, अभी जल गई है। बाकी किसी जान माल जान के नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत संपत्ति का नुकसान हुआ है। और कोई चीज वर्तमान में क्या हालात है सर? इस समय सामान्य स्थिति है, ट्रैफिक को नॉर्मल कर दिया गया है, बाकी कोई खास इंजरी नहीं है, सामान्य स्थिति।